और दोस्तों आज हमारे पास है इंडिया का सबसे पहला मिनी एलईडी टीवी। जी हाँ, ये जो है मेरे पास ये है TCL C825। पिछले 2-3 दिनों से हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसके साथ कर रहे हैं, गेमिंग किया, बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखे, एंड आई विल टेल यू व्हाट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव टीवीज आई हैव सीन। जी हाँ, हमने बहुत सारे टीवीज देखे हुए, बहुत सारे टीवीज अनबॉक्स किए हैं, रिव्यू किए हुए, लेकिन अगर मैं हार्डवेयर के बारे में बात करूं, सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं दोस्तों, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव वंस। बताऊंगा क्यों सब कुछ, लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइक करना मत भूलिए। वैसे छोटा सा रिमाइंडर, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चालू करते हैं हार्डवेयर के साथ। बिल्ड क्वालिटी OMG, जी हाँ सीरियसली कह रहा हूं, ओ माई गॉड, वाई? क्योंकि अगर आप देखोगे इसकी थिकनेस देखोगे, जो बिल्ड क्वालिटी देखोगे, जो फ्रेम देखोगे, ऑल इज मेटल एंड इट इज एक्सट्रीमली प्रीमियम। लुक एट दिस स्टैंड, जब मैंने ये स्टैंड हाथ में लिया दोस्तों, बहुत हल्का था, इट इज अ मेटल स्टैंड, लेकिन मैंने कहा इतने हैवी टीवी, दिस इज अ हैवी टीवी, इट इज नॉट अ लाइट टीवी। मैंने कहा ये जो स्टैंड है क्या ये वेट ले पाएगा, बट जब हमने माउंट किया दोस्तों, लुक एट दिस, इट इज स्टर्डी। The entire build quality is impressive. And सिर्फ build quality के बारे में ही नहीं दोस्तों, अगर finish के बारे में बात करो, बहुत सारे TVs में आपको दिखता है, you know, जब आप frame और ये जो panel होता है उसके पास देखते हो, especially sides में थोड़ा ऊपर नीचे नजर आता है, ऐसे लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं problem है, not with this one. जो फिट एंड फिनिश है इज परफेक्ट, और इसीलिए दोस्तों दिस इज अवार्ड विनिंग टीवी। जर्मन का रेड डॉट अवार्ड जो है वो इस टीवी को मिला हुआ है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड दोस्तों, अगर आप सोचते हो इस टीवी को खरीदने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। ऑब्वियसली स्टैंड आता है, टीवी आता है, रिमोट आता है, रिमोट के बैटरीज आते हैं, एंड दिस थिंग, जी हाँ आपको ये कैमरा भी मिलता है, दिस इज अ डिटैचेबल कैमरा जो आपको मिलता है। उतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साउंड बार एंड सबवूफर ये भी मिलता है, यस, साउंड बार विद सबवूफर, व्हिच इज ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड इनसाइड द टीवी। और दोस्तों ये जो है ये एक क्यूलेड पैनल है, लेकिन ओलेड नहीं है, ये मिनी एलईडी है, इट इज नॉट ओलेड, इट इज मिनी एलईडी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल ओलेड में इंडिविजुअल एलईडीज होते हैं, इसमें जोन्स होते हैं, मिनी एलईडी के डिफरेंट जोन्स होते हैं। सो आई विल से नॉर्मल एलईडी टेलीविजन जो होता है उसमें कोई जोन्स नहीं होते, सिंगल एलईडी होता है, उसकी वजह से ब्लैक्स वगैरह आपको इतने अच्छे नहीं दिखते हैं। बट विद दिस वन आई विल से कि भाई ये एलईडी टीवी और जो ओलेड टीवी होता है उसके बीच में आता है, नियरिंग टुवर्ड्स ओलेड टीवी जरूर कहूंगा, क्योंकि कलर्स एंड ब्लैक्स वगैरह जो है सीरियसली Absolutely gorgeous. और दोस्तों इसको Dolby Vision IQ का सपोर्ट है, नॉर्मल Dolby Vision से ज्यादा कलर्स ये सपोर्ट करता है, 1 billion से भी ज्यादा कलर्स आप इसके ऊपर देख पाओगे, वाओ। और हाँ दोस्तों, इसके अंदर 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट भी आता है, तो आपको जो फास्ट एक्शन सीन्स वगैरह बहुत ही स्मूथ दिखते हैं, और साथ में MEMC का भी सपोर्ट है, सो सीरियसली स्मूथ गेमिंग या फिर फास्ट एक्शन सीन्स, इट्स लाइक अ मूवी थिएटर सीरियसली। एंड मूवी थिएटर के बारे में क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका ऑडियो इज नेक्स्ट लेवल, क्योंकि इसमें 15 वॉट के दो तरफ आपको स्पीकर्स तो मिलते ही हैं इस साउंड बार में, विच प्रोड्यूस ग्रेट साउंड, बट इट ऑल्सो हैज अ सबवूफर एट द बैक, जी हाँ, जो एक थंपिंग साउंड जनरली टीवीज में मिसिंग होता है इसके अंदर नहीं। मैं कुछ आपको म्यूजिक सुनाता हूं दोस्तों, रियली गुड। और दोस्तों ये जो ऑडियो क्वालिटी है इतनी अच्छी, इसकी वजह से ये IMAX एनहांस्ड सर्टिफाइड है, सो IMAX ने सर्टिफाई किया है। कुछ 2 या 3 ही ब्रांड्स हैं, उसमें से TCL एक ब्रांड है जिनको IMAX एनहांस्ड का सर्टिफिकेशन मिला है। रिमोट के बारे में बताऊं दोस्तों, जी हाँ ये देखिए एक फुल फीचर्ड रिमोट आता है, जनरली आजकल छोटे रिमोट्स आते हैं, ये लंबा बड़ा है, एंड यू हैव डेडिकेटेड Netflix, Z5, Prime Video एंड TCL, उनका जो खुद का एग्रीगेटर है उसके लिए डेडिकेटेड बटन्स है, बाकी आपको गूगल असिस्टेंट का भी डेडिकेटेड बटन मिलता है, बट यू डोंट नीड इट, यू कैन जस्ट स्पीक टू टीवी। दोस्तों हार्डवेयर के बारे में बात कर ली, अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट TCL पहली कंपनी थी जो एंड्रॉइड 11 टीवी लेके आई थी, एंड दिस वन इज ऑल्सो एंड्रॉइड 11 बट विद सम एक्स्ट्रा फीचर्स एज वेल। इसमें फारफील्ड माइक आता है दोस्तों, हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल जो है 2.0 आपको मिलता है, सो नेक्स्ट जनरेशन का मिलता है, विच इज क्वाइट रिस्पॉन्सिव। मैजिक कनेक्ट का फीचर आता है, जहां पे आप आपका जो स्मार्टफोन है टीवी के साथ कनेक्ट कर पाओगे। सेफ्टी गार्ड आता है, सो बेसिकली इट्स अ डैशबोर्ड, सेफ्टी के लिए प्राइवेसी वगैरह फीचर्स है, आपको क्लीन वगैरह करना है कोई डेटा, प्राइवेसी जो फीचर्स होते हैं वो आपको सेफ्टी गार्ड में मिलते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा एप्स भी है लाइक रिमाइंडर्स, जी हाँ आप इसके ऊपर रिमाइंडर्स डाल पाओगे, एंड टीवी विल रिमाइंड यू, अलर्ट यू कि भाई ये आप भूल गए हो। और एक फीचर आता है दोस्तों, ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड साउंड बार है इसके अंदर, लेकिन T Solo नाम का फीचर आता है,
जहां पे आप स्क्रीन बंद कर पाओगे और आपका फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यू विल बी एबल टू यूज दैट साउंड बार एंड सबवूफर। जी हाँ, तो स्क्रीन बंद है लेकिन सबवूफर एंड आपका जो साउंड बार है वो चालू है, तो ब्लूटूथ से म्यूजिक सुनिए थ्रू योर स्मार्टफोन। और हाँ दोस्तों, TCL का खुद का UI भी आता है, TCL चैनल, जहां पे अलग अलग OTT प्रोवाइडर से एग्रीगेट करते हैं कंटेंट और आपको एक ही जगह पे दिखाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड एंड यूजर फ्रेंडली। दोस्तों हार्डवेयर में मैंने मैजिक कैमरा के बारे में बात नहीं की, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ये जो है दोस्तों, ये एक फुल HD कैमरा है, 1080p कैमरा है और इसके ऊपर एक शटर आता है जो हाथ से आप नहीं ओपन कर पाओगे। चलिए दोस्तों कैमरा ओपन करके आपको दिखा दूं, ये आ गया, नाउ दिस इज द कैमरा। अगर आप देखोगे, ये देखिए, जैसे ही कैमरा चालू करता हूं अपने आप जो शटर है वो ओपन हो जाता है। एंड इवन लुक एट द कैमरा क्वालिटी के पास भी देखोगे, वाइड एंगल कैमरा है 1080p का एंड क्वालिटी इज गुड। और हाँ, गूगल डुओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वगैरह आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसे कर पाओगे। और हाँ दोस्तों, जेस्चर कंट्रोल भी है, इसका मतलब आपको इस कैमरा के साथ सेल्फी वगैरह निकालना है तो जेस्चर कीजिए, ऐसे कीजिए, फोटो निकल जाएगा। हमने ट्राई किया, कभी कभी चलता है कभी कभी नहीं, तो इट नीड्स एन अपडेट। कुछ फीचर्स जो है अभी मैं स्लाइटली बगी कहूंगा, लेकिन दोस्तों एक चीज बिल्कुल भी बगी नहीं है, आई एम इंप्रेस्ड विद इट एंड दैट इज परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्वाड कोर मीडिया टेक चिपसेट आती है, 3GB की रैम आती है एंड 32GB स्टोरेज है, सो दैट आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेक्ट TV अभी तक जो हमने देखा हुआ है। और दोस्तों इसके अंदर सॉफ्टवेयर में AI PQ इंजन आता है, सो AI के द्वारा एनहांस करता है बेसिकली पिक्चर क्वालिटी सो दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ऑलराइट, कनेक्टिविटी के बारे में भी अगर बात करूं तो Wi-Fi 6 आता है इसके अंदर, विच इज लेटेस्ट, विच इज गुड। ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है। पोर्ट्स के बारे में बात करें, 4 HDMI पोर्ट्स आते हैं इसके अंदर, जिसमें से 2 जो है दोस्तों वो 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, 2 USB पोर्ट आते हैं और साथ में RJ45 एंड ऑडियो वीडियो के जो पोर्ट्स होते हैं स्टैंडर्ड, वो सभी आते हैं। और उसकी वजह से दोस्तों अगर आप कंसोल वगैरह लगा रहे हो जो 120Hz को सपोर्ट करता है, सो यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात करूं, अगर आप पिक्चर क्वालिटी के पास देखोगे, ऑडियो के पास देखोगे, फीचर्स के पास देखोगे, आई थिंक प्राइस इज ऑल्सो क्वाइट एग्रेसिव। जो 55 इंचेस का टीवी है दोस्तों वो आता है 115,000 का, और ये जो है 65 इंचेस का, दैट कम्स अराउंड 150,000 एंड फॉर दैट प्राइस आई थिंक Once again, I'll say my line. You get a whole lot of TV. और दोस्तों अगर आपको ये टीवी चाहिए तो आपको Amazon और Reliance Retail के ऊपर 7 तारीख को मिलने वाला है। वैसे Amazon की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए अभी, right now.